हेलो दोस्तों, मैं सूरज यादव, आप सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी मेगा पॉइंट में आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम आप लोगों से बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल थर्ड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो क्लास थी ट्रांसफार्मर की क्लास चल रही है। तो दोस्तों, आप लोगों का चैप्टर 3 था ट्रांसफार्मर, उसमें हमने आप लोगों को ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन बताया दोस्तों, उसकी वर्किंग बताया और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को बताया, ठीक है। आज के सेशन में हम आप लोगों से क्या बात करने वाले हैं दोस्तों, ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, यानी ट्रांसफार्मर का ईएमएफ इक्वेशन क्या होता है, कैसे आता है दोस्तों, इसके बारे में हम टोटली डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। दोस्तों, आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ठीक है। दोस्तों चलिए, यहाँ पर हम बात करते हैं ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर की। तो दोस्तों, जो ईएमएफ इक्वेशन होता है ट्रांसफार्मर का, वो कैसे आता है दोस्तों, आप लोगों का जो कैसे इसका ईएमएफ इक्वेशन निकाला जाता है, टोटली आप लोगों को आज पूरे अच्छे तरीके से बताया जाएगा, ठीक है। तो क्या है ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, यानी ट्रांसफार्मर का विद्युत वाहक बल का समीकरण, ऐसे हिंदी में बोल सकते हैं दोस्तों। ये हमारा होता है ट्रांसफार्मर, आप लोग देख सकते हैं ट्रांसफार्मर की अभी पूरी डिजाइन नहीं की है, प्राइमरी वाइंडिंग बोल देंगे, सेकेंडरी वाइंडिंग ये है, ठीक है। दोस्तों जैसे हम प्राइमरी वाइंडिंग को सप्लाई से कनेक्ट करते हैं, कौन सी सप्लाई रहेगी दोस्तों, आप लोगों को पता है यहाँ पे हम जो ट्रांसफार्मर होता है केवल और केवल एसी सप्लाई पे वर्क करता है। तो यहाँ पे जो सप्लाई होती है दोस्तों, ये होती है हमारा वीएम साइन ओमेगा टी की सप्लाई देते हैं। और कैसी सप्लाई है दोस्तों, यहाँ पे हम साइनोसोडल सप्लाई देते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पे सप्लाई देंगे तो मान लीजिए यहाँ पे हमारी कोई करंट फ्लो हुई, और करंट फ्लो हुई दोस्तों तो यहाँ पे हमारा एक फ्लक्स जनरेट होता है, ठीक है। और ये जो फ्लक्स जनरेट होता है दोस्तों, ये हमारा ये दोनों वाइंडिंग यानी इस पूरे कोर में क्या होता है, जनरेट होता है, ठीक है। ये हमारे पूरे कोर में क्या हो जाता है, ये कोर में फ्लक्स जो है जनरेट होता है। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे हमारी फ्लक्स है। अब दोस्तों ये जो फ्लक्स है ये हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग को लिंक करता है। आप लोगों को मैंने बताया था, एक चीज़ बताया था आप लोगों को कि जो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि कोर होता है दोस्तों, ये कोर किस पर मटेरियल का बना होता है, तो आप लोगों को बताया था हाई सिलिकॉन मटेरियल का बना होता है। क्या होता है, हाई सिलिकॉन मटेरियल, ठीक है, मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक, हाई सिलिकॉन मटेरियल। अब दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना है आप लोगों को, यहाँ पे हम हाई सिलिकॉन स्टील मटेरियल बोल रहे हैं तो इसका कुछ प्रॉपर्टी भी होता होगा। अब दोस्तों इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि हाई सिलिकॉन स्टील मटेरियल यूज करने से क्या होता है, लॉसेस जो होते हैं इसमें कम हो जाता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे मैं बात करता हूँ, अगर ये हमारा मान लीजिए वोल्टेज का इक्वेशन हो गया, तो अगर हम फ्लक्स के लिए देखेंगे, यानी जो फ्लक्स यहाँ पे जनरेट हुआ है उसके लिए हमारा फ्लक्स का इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो फाइ इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आप लोग जानते होंगे फाइ एम साइन ओमेगा टी होता है, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये यानी इस वोल्टेज के कारण हमारा क्या बना, एक फ्लक्स बना, ठीक है। यानी जैसे हम करंट फ्लो करवाएं, यहाँ पे हमारे कोर में क्या हुआ, फ्लक्स उत्पन्न हुआ। फ्लक्स कौन सा है, फ्लक्स जो होता है इसका जो फार्मूला होता है फाइ एम साइन ओमेगा टी होता है। दोस्तों हमने वाइंडिंग किया है तो इसे हम जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है उसे एन वन बोल देते हैं, और इसे हम N2 बोल देंगे, ठीक है। क्या बोल देंगे, इसे हम N2 बोल देंगे दोस्तों, ए N2 हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे यानी जो हमारा ये हमारा इस साइड N1 N2 है, इसके फ्लक्स कारण या बोल सकते हैं इस वोल्टेज के कारण एक EMF उत्पन्न होता है। इस वाले EMF को हम E1 बोल देंगे, यानी प्राइमरी वाइंडिंग का EMF जो होगा E1, एंड सेकेंडरी वाइंडिंग का जो EMF होगा दोस्तों उसको हम क्या बोल देंगे, E2 बोल देंगे, ठीक है। दोस्तों ये सारी टर्म्स को आप लोगों को लिखना होगा कि मैं जो जैसे बोल रहा हूँ कि E1 क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग का EMF है, और E2 क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग का EMF है, ठीक है। आई होप इतनी पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। हमने अभी कुछ नहीं बताया, जो वोल्टेज सप्लाई दी है वीएम साइन ओमेगा टी, यानी जो हमारा वोल्टेज सप्लाई है दोस्तों ये है साइनोसोडल सप्लाई होती है, और दोस्तों ये हमारा जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स का इक्वेशन होता है फाइ एम साइन ओमेगा टी, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, आप लोगों ने पढ़ा होगा फैराडे का नियम, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे आप लोगों ने पढ़ा होगा फैराडे के विद्युत चुंबकीय नियमानुसार। तो दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा होगा जो आप लोगों का फैराडे का विद्युत चुंबकीय नियम रूल होता है, वो तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो फैराडे का विद्युत चुंबकीय नियम जो है दोस्तों फैराडे का, तो वो आप लोगों ने पढ़ा होगा इक्वल होता है माइनस के एम डी फाई बाई डी टी, ये तो सभी स्टूडेंट्स ने पढ़ा होगा। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है कि क्या क्या चीज़ें हैं, एक इसके अकॉर्डिंग आता है दोस्तों, ये हमारे फैराडे के नियम के अनुसार आता है, ठीक है। ई क्या है दोस्तों, यहाँ पे ई हमारा इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ठीक है, क्या है, इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड ईएमएफ है। और फ्लक्स है हमारा, ये कौन सा फ्लक्स है, मैक्सिमम फ्लक्स है।
अब कौन सा फ्लक्स है, ये जो हमारा फाइव एम साइन ओमेगा टी वाला, ये वाला फ्लक्स है। एंड माइनस कैसे आ जाता है, माइनस लेंज के नियम से आ जाता है। ठीक है, मैं लिख दूंगा यहाँ पे दोस्तों, जो माइनस चिन्ह आप लोग देख रहे हैं ये कैसे आता है, लेंज के नियम से। ठीक है, किसके लेंज के नियम से आता है। अब दोस्तों एग्जाम में सारी चीज़ों को नहीं लिखना है लेंज के नियम से आता है, नहीं, ये आप लोगों को समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, आगे आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी क्या क्या मैं बोल रहा हूँ। मैं बोलूँ कि सामान्यतः या इन जनरल बोलूँ मैं, इन जनरल मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, यानी जनरल केस में, यानी सामान्यतः क्या होता है, सामान्यतः आप लोगों ने पढ़ा होगा इक्वल टू क्या, यही हम फिर से लिखना चाहते हैं, माइनस एन डी फाइव आई डी टी होता है, ये सभी को पता होगा दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ जो फ्लक्स की वैल्यू है, इक्वेशन नंबर वन की जो फ्लक्स की वैल्यू यहाँ पे है, उसको यहाँ पे पुट कर दीजिए आप लोग, सभी स्टूडेंट्स एक बार पुट करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। माइनस का आ जाएगा और डी वाई डी टी फ्लक्स की वैल्यू को लिखेंगे तो क्या है हमारी फ्लक्स की वैल्यू, फाइव एम साइन ओमेगा टी है। ठीक है, अब इसको क्या कर देंगे दोस्तों, डी वाई डी टी आप लोगों ने हाई स्कूल सॉरी इंटर में आप लोगों ने पढ़ा होगा अवकलन डिफ्रेंसिएशन। दोस्तों जब हम इसका अवकलन कर देंगे तो इसका अवकलन करने पे हमें क्या प्राप्त होगा, ये भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। ठीक है, माइनस का एन हो जाएगा। ठीक, अब दोस्तों जैसे कि हम फाइव एम जो है कांस्टेंट पद है तो ये हमारा बाहर आ जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, साइन ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, कास ओमेगा टी, और ओमेगा टी का अगर अवकलन करेंगे तो ओमेगा आ जाएगा। आई होप ये सारी चीज़ें आप लोग जानते होंगे दोस्तों, और ये हमारा क्या हो जाता है, ये पूरा तरीके से अवकलन करने पर आ गया हमारा। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, तो आगे क्या होता है मेरा, इसमें थोड़ा दिखाने की कोशिश करता हूं आप लोगों को। ठीक है, आगे मेरा हो जाएगा, अब इसको हम क्या करते हैं साइन में चेंज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू माइनस फाइव एम ओमेगा, इसको मैं लिख सकता हूं साइन 90 माइनस ओमेगा टी। दोस्तों ये सारी चीज़ें तो आप लोगों ने हाई स्कूल में इंटर में पढ़ा होगा कि जैसे साइन यहाँ पर मैं लिख दूँ यहाँ पर थोड़ा सा, तो आप लोगों को ये जानकारी हो जाएगी कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। ठीक है, और आप लोगों ने एक चीज़ और पढ़ा होगा कि साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है। ठीक है, ये दोनों टर्म हम आप लोगों को बता दिए हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, आप लोगों को ये आप लोगों को याद होना चाहिए, जो मैंने यहाँ पे बताया है ये आप लोगों का बेसिक था, ये तो आप लोगों को बताने के लिए, ये आप लोगों के डेरिवेशन में नहीं आना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, माइनस के एन हो जाएगा। अगर इसको फाइव एम लिखते हैं ओमेगा, दोस्तों यहाँ से हम माइनस कॉमन कर लेते हैं तो माइनस यहाँ बाहर निकाल लेते हैं एक हम, उसके बाद लिखते हैं साइन, ये क्या हो जाएगा ओमेगा टी, अगर माइनस बाहर निकाल लिए तो ओमेगा टी हो जाएगा माइनस के 90 हो जाएगा। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे देखेंगे इक्वल टू ए माइनस और ए माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एन फाइव एम ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस के 90 डिग्री। ठीक है, अब दोस्तों इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर तीन मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं इसको हम, इसको अभी 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 इक्वेशन नंबर टू मानेंगे, अभी एक तो बन गया है ना, एक ये हमारा इक्वेशन नंबर टू हो जाएगा। ठीक है, समीकरण नंबर दो, आगे चलते हैं दोस्तों, समीकरण अभी दो हमारा बना है। अब देखते हैं दोस्तों हमें करना क्या होता है, अगर मैं बोल दूँ कि मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं दी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन ओमेगा टी माइनस के 90, तो ये हमारा मैक्सिमम के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हमारा वन आ जाएगा। ठीक है, यानी अब कहने की बातें हैं दोस्तों, ई बराबर हमारा क्या हो जाएगा, यन डी फाइव डी यन फाइव एम ओमेगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, इसकी अगर मैक्सिमम के लिए हम ले रहे हैं तो मैक्सिमम के लिए हमारा हो जाता है इंटू का वन कर लेंगे, ये हमारी मैक्सिमम के लिए हो गया। अब दोस्तों इसको हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर अभी नहीं, ये हमारा किसके लिए है, मैक्सिमम फ्लक्स के लिए फाइव ई एम हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना है आप लोगों को कि ये जो हमारा इक्वेशन नंबर आया है एक, इसको हम इक्वेशन नंबर तीन बना लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, अब देखते हैं इस इक्वेशन को इक्वेशन टू में आई, जो वैल्यू है एक इसकी वैल्यू है, एक इसकी वैल्यू है, यहाँ पर इस वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं, ई एम लिख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इक्व टू, क्या लिखेंगे भाई, इसको लिख सकते हैं यहाँ पे ई एम रख देंगे, ई एम साइन ओमेगा टी माइनस के 90। ठीक है, ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक, ये हमारा इक्वेशन नंबर, इसको हम मान सकते हैं, ये हमारा इक्वेशन नंबर तीन हो जाएगा। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर तीन मान लेते हैं, ये हमारा फाइनल इक्वेशन नंबर तीन बन गया।
आगे चलते हैं दोस्तों, अभी हमारा डेरिवेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी आगे चलते हैं। मैक्सिमम के लिए हम बात करेंगे, मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हो जाएगा, ये हमारा मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ईएमएफ है, ठीक है। मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना है हमारा, एन फाई एम ओमेगा है, ठीक। आगे चलते हैं दोस्तों, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि अगर हम आरएमएस वैल्यू लें किसका, ई का, यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ का आरएमएस वैल्यू हमारा कितना होगा, तो आप लोगों ने आरएमएस वैल्यू पढ़ा होगा, मैक्सिमम वैल्यू अपान अंडर रूट टू होता है, ठीक है। अब मैक्सिमम वैल्यू कितनी है हमारी दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितनी मैक्सिमम वैल्यू है, ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू है, कितनी है लिख सकते हैं यहाँ पे, एन फाई एम ओमेगा अपान कितना हो जाएगा, रूट टू। दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना है आप लोगों को, अब हमारा जो इक्वेशन है फाइनल इक्वेशन वो आने वाला है। आप लोगों ने हाई स्कूल या इंटर में पढ़ा होगा कि ओमेगा बराबर होता है टू पाई एफ होता है, क्या होता है, ओमेगा बराबर कितना होता है, टू पाई एफ होता है। एफ जो होता है, एफ क्या होता है, एफ जो है दोस्तों ये आपकी नॉर्मल फ्रिक्वेंसी है, कौन सी, नॉर्मल फ्रिक्वेंसी। कहने का सेंस ये है दोस्तों कि जो आप लोगों का 50 हर्ज होता है, यानी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 50 हर्ज, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे मैं जैसे कि ओमेगा की जगह पे यही वैल्यू को पूरा पुट कर दूँ तो क्या हो जाएगा, तो मैं लिख देता हूँ, पहले लिख देता हूँ 2 पाई एफ कितना फाई एम इंटू एन लिख देता हूँ, ठीक है। अब बटे का कितना हो जाएगा, रूट टू। दोस्तों इसको हम पूरे को हल करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, इसको मैं अभी लिख देता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। इसको जब मैं हल करूंगा तो इसको क्या लिख दूंगा, इसको जब हल करते हैं दोस्तों ये आ जाता है 4.44, यहाँ पे मैं लिखता हूँ फाइव एम एफ इंटू एन, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, ई की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और ई की कौन सी वैल्यू है दोस्तों, ए आर एम एस वैल्यू है, इस बात को ध्यान रखेंगे, यानी ई एम एफ इक्वेशन का हमारा वोल्टेज इक्वेशन जो है या ई एम एफ इक्वेशन जो है ये हमारी पूरी तरीके से आ गया है। अब दोस्तों आप लोगों ने प्राइमरी वाइंडिंग भी देखा होगा, सेकेंडरी वाइंडिंग देखा होगा, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्राइमरी साइड का इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। प्राइमरी साइड का इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हो जाएगा, तो इसके लिए मैं ई वन लिखूंगा, ठीक है, प्राइमरी वाइंडिंग के लिए ई वन लिखेंगे, ठीक है। 4.44 कितना हो जाएगा, फाइव एम। अब देखेंगे दोस्तों प्राइमरी वाइंडिंग के लिए ई वन लेंगे और उसका नंबर ऑफ टर्न कितना था, यहाँ पे अब फ्रीक्वेंसी हमारी हर जगह सेम होती है, जैसा कि आप लोगों को थ्योरी में भी बताया था मैंने, तो यहाँ पे एन वन हो जाएगा, ठीक है, प्राइमरी वाइंडिंग के लिए, ठीक। तो एक इसका जो यूनिट होगा दोस्तों, यूनिट आप लोग जरूर लिखेंगे, वोल्ट होता है यूनिट, ठीक है। अब दोस्तों आगे चलते हैं, अगर हम सेकेंडरी का निकालेंगे तो सेकेंडरी के लिए हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंडरी के लिए हमारा हो जाएगा, यानी लिखेंगे हम यहाँ पे सेकेंडरी, आप लोगों को भी एग्जाम में ऐसे लिखना है, सेकेंडरी साइड का इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है, ये हमारा सेकेंडरी साइड का इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या आ जाएगा। तो E2 बस लिखना कुछ नहीं है दोस्तों, E2 बराबर लिखना है 4.445 एफ एन टू, ठीक है। ये टोटली हमारा दोस्तों ट्रांसफार्मर का इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो इक्वेशन था ये हमारा फाइनली आ चुका है, ठीक है। दोस्तों आप लोगों के एग्जाम में केवल इतना ही पूछा जाता है कि जो ट्रांसफार्मर होता है उसका इंड्यूस्ड ईएमएफ का इक्वेशन क्या होता है, तो आप लोगों को यही पहले इसको प्रूव करना है, 4.445 फाइव एम क्या है, मैक्सिमम फ्लक्स है, ठीक है, किसके लिए है, हमारी जो वाइंडिंग है उसका मैक्सिमम फ्लक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे फाइव एम एफ एन, ठीक है, एफ क्या है नॉर्मल फ्रिक्वेंसी, एन क्या है नंबर ऑफ टर्न्स, अगर बात करेंगे प्राइमरी वाइंडिंग के लिए एन वन लेंगे और सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए एन टू ले लेंगे, ठीक है। आई होप ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, और एक बार आप लोगों को फिर से यहाँ से मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, और इस वाले इक्वेशन में इतने सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को बताया गया कि आप लोग एक बार देख लेंगे तो सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ जाएगी। दोस्तों ये हमारा जो होता है वोल्टेज अगर हमने इस अपने ट्रांसफार्मर को देते हैं साइनोसोइडल वोल्टेज को दिया, तो हमने यहाँ पे एक हमारी करंट फ्लो होगी, ठीक है, जैसे ही वोल्टेज को अप्लाई करेंगे करंट फ्लो होगी, और इस करंट के कारण इसमें एक हमारा जो कोर होता है वाइंडिंग लिपटी हुई है, इस वाइंडिंग के कारण यहाँ पे जो फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक करता है, ठीक है। अब जब सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक कर रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्लक्स जो हो रहा है सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक कर रहा है, तो इसमें होता है, मान लीजिए इसमें हमने एन वन नंबर ऑफ टर्न लिया, इसमें एन टू नंबर ऑफ टर्न लिया, अब इस फ्लक्स के कारण क्या बनता है, इस फ्लक्स के कारण हमारा हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ बनता है, ई वन एंड ई टू जो होता है किसके कारण बनता है, फ्लक्स के कारण बनता है। तो आप लोगों को एक फेजर मैं यहीं पर बना देता हूँ, इसको जरूर आप लोग बना लेंगे, ये फेजर मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आपके, मतलब आप लोग बनाएंगे तब के लिए, ठीक है।
जो फ्लक्स जिसे बनाता है दोस्तों, मान लीजिए हमारा फाइव एम फ्लक्स बनाया है, किसको, हमारा ई को बनाया है या ई एम को बनाया है मान लीजिए, तो ये हमारा 90 डिग्री क्या करेगा, लैग करेगा, ठीक है, ये आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है। ये फेजर आप लोगों को बना लेना है दोस्तों, कहीं बगल में आप लोग बना लेंगे कि जो हमारा जो फ्लक्स जिसे बनाएगा, जो फ्लक्स मान लीजिए मैं हूँ, ये आप हैं, अगर मैं आपको बना रहा हूँ तो आप नीचे रहेंगे, ठीक है। तो जो फ्लक्स बना रहा है दोस्तों, फ्लक्स जिससे फ्लक्स मतलब जो फ्लक्स ईएमएफ इंड्यूस करवा रहा है, वो 90 डिग्री सदैव लैग करता है। तो फाइनली दोस्तों यही था आप लोगों का ईएमएफ इक्वेशन, जो ट्रांसफार्मर का ईएमएफ इक्वेशन था, ये आप लोगों को फाइनली यहाँ तक आप लोगों को करना था कि जो आपका ईएमएफ इक्वेशन आया है वो किस प्रकार से आता है, ये आप लोगों को आई होप सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा। दोस्तों हम आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे, अगर आप लोग स्टडी मेगा पॉइंट की ऑफिशियल ऐप को अभी प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों उसको डाउनलोड कर लीजिए, और आप लोगों की जो क्लासेस हैं आप लोगों की स्टडी मेगा पॉइंट पे चल रही है, तो सभी स्टूडेंट जाके क्लास को ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पे आप लोगों की जो इसका ट्रांसफार्मर का नो लोड ऑपरेशन है उसको बताने के बाद आप लोगों की क्लासेस जो होंगी ऐप पे ही चलेंगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।